गुड आफ्टरनून एवरीवन, होप सो आई एम ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन। आज का बिगिन करते हैं क्लास, आज का लेक्चर। बच्चे हम लोगों ने बिगिन किया था पार्टनरशिप, हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप। सबसे पहले डिस्कस किया था पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। हमने कहा पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, रिलेशन बिटवीन पर्सन मतलब टू और मोर पर्सन। इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्सन टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट का मतलब लॉस भी होता है। टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो मैंने एंड में कहा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसका मतलब क्या है? हर पार्टनर एक दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। कई बार एग्जाम में एमसीक्यू आता है म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर लिखा होगा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मीनिंग है, तो बेटा उसको लिखेंगे म्यूचुअल एजेंसी। याद रखना जब भी पार्टनरशिप की बात करते हो तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर कोई मान लो एक बंदों ने किसी पर्सन ने मिलके एक ट्रांजेक्शन करी, लेकिन कभी कभी करते, डेली नहीं करते, रेगुलर नहीं करते, तो बिजनेस नहीं होगा। वजह फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया पार्टनरशिप का एक्ट है 1932। उसके बाद आया पार्टनरशिप डीड। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट जिसमें सारी बातें लिखी जाएगी, हमारे एग्रीमेंट सारी बातें लिखी जाएगी, पार्टनर्स के बारे में, किसने कितना पैसा लगाया, कब बिजनेस स्टार्ट किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब कुछ लिखा जाएगा, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। बच्चे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ए और बी ने एक ओरल डीड बनाई, बातचीत करी, रिकॉर्डिंग कर ली, क्या ये वैलिड है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर डीड ओरल भी हो बेटे वो भी वैलिड मानी जाती है। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि डीड आप रिटर्न बनाओ, ओरल मत करो, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लड़ाई झगड़े को सुलझाएगा, लेकिन मानी वैलिड जाएगी चाहे ओरल भी क्यों ना हो। फिर हमने डिस्कस किया अगर सर डीड नहीं बनेगी तो क्या करेंगे। हमने कहा सर अगर डीड नहीं बनेगी तो क्या करेंगे। हमने कहा बच्चे अगर डीड नहीं बनती तो हम किसका कहना मानेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जितने भी पार्टनरशिप के प्रोविजन से सब गवर्न होते हैं इंडियन पार्टनरशिप 32 से। अगर डीड नहीं बनाई तो हम सब लोगों को उसके प्रोविजन को फॉलो करते हैं। सर प्रोविजन क्या कहते हैं? बेटे पहला प्रोविजन, प्रॉफिट हम बांटेंगे इक्वली अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ हार्ड वर्क डन बाय द कंसर्न्ड पार्टनर। अगर डीड में ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ फर्म कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम द पार्ट। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ देन फर्म कैन चार्ज सॉरी देन पार्टनर कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम फ्रॉम द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और डीड में एग्रीमेंट में उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, हम एक्ट के पास जाएंगे, एक्ट कहता है कोई बात नहीं आप 6% पर एनम के अकॉर्डिंग दे दो, लेकिन कैपिटल पे कुछ नहीं मिलेगा अगर डीड साइड। फिर आपको बताया मैंने एबीसी तीन पार्टनर है या एबीसीडी चार पार्टनर है, ई को एडमिट करना चाहते हैं, एबीसी मान गए, डी नहीं मान रहा, तीन लोग मान गए लेकिन चौथा नहीं मान रहा। मेरा क्वेश्चन था क्या नया पार्टनर एडमिट हो सकता है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आंसर है नो। किसी को भी पार्टनर बनाने के लिए फॉर्म में मेजोरिटी का डिसीजन नहीं चलेगा बेटे, मेजोरिटी की बात नहीं चलेगी, हम सब लोगों को मानना पड़ेगा, सभी पार्टनर को मानना पड़ेगा, सर्वसहमति होगी, यूनैनिमस। जब तक उनकी बात नहीं रखी जाएगी तब तक किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं बड़े एग्जाम में बन जाती है केस स्टडीज, एग्जाम में बन जाती है केस स्टडीज, प्लीज याद रखिएगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आया हमारे पास जिसको आज हम आगे लेके जाएंगे,
उस कॉन्सेप्ट का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्लास 11 तक हम लोग सब पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। जितना प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट का हकदार, उस प्रॉफिट का मालिक वो एक ही पर्सन होता था, उस पर्सन का नाम था सोल प्रोप्राइटर। बट नाउ हमारा बिजनेस बड़ा हो चुका है, हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो चुका है। अब डीड में लिखा है सो एंड सो पार्टनर को सैलरी दो, सो एंड सो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सो एंड सो पार्टनर को रेमुनरेशन दो, कमीशन दो, डिविजिबल प्रॉफिट दो, डीड में लिखा हुआ। अब जो आपने क्लास 11th में प्रॉफिट अर्न किया था पीएनएल अकाउंट से, जो नेट प्रॉफिट आया था, अब उस प्रॉफिट को हमने बांटना है, उस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, उस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स अंडर वेरियस फॉर्म्स। वो फॉर्म क्या है, मे बी सैलरी, मे बी कमीशन, मे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या मे बी बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमने कहा हम एक नया अकाउंट बनाना सीखेंगे, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, आप देखिएगा अपनी नोटबुक चेक कर सकते हैं अपनी, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन। फिर मैंने बताया इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, इसको पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है, प्रोप्राइटर वालों को बनाने की इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जनरली पार्टनरशिप फर्म ही इसको बनाती। फिर हमने कहा जितनी भी एप्रोप्रिएशन है, ऑल एप्रोप्रिएशन आर डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने कहा जितनी भी एप्रोप्रिएशन है, ऑल एप्रोप्रिएशन आर डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यहां तक हमने आपसे बात की। फिर क्वेश्चन आया सर एप्रोप्रिएशन क्या होता है, हमने लिखा था एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है, एप्रोप्रिएशन मींस अमाउंट अलाउड टू द पार्टनर, जो पैसा हम पार्टनर को अलाउ कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। ध्यान से बात सुनना, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, अमाउंट अलाउड टू पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन, इज कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन। अब चलेंगे आगे, आज के लेक्चर में मूव करेंगे। अब क्वेश्चन चल रहा था मेरा सर एप्रोप्रिएशन क्या होता है, उसको थोड़ा बहुत हम और आगे लेके जाएंगे। तो एक बार एप्रोप्रिएशन को देखते हैं, एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, अमाउंट अलाउड टू पार्टनर। आज हमने सीखना है क्या डिफरेंस है एक्सपेंस में और एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं एक्सपेंस मैटर है ट्रेडिंग और पीएनएल का, एप्रोप्रिएशन मैटर है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ये आइटम पीएनएल अकाउंट की है या एप्रोप्रिएशन की है। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया एक्सपेंस, आपने गलती से मान लिया उसको एप्रोप्रिएशन, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो पहले हम लोग जानेंगे क्या इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर हम लोग बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, फिर एक बड़े सा क्वेश्चन हम तैयार करेंगे आज के क्वेश्चन में। आएगा समझते हैं एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है सर, अमाउंट अलाउड टू द पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, जो पैसा पार्टनर को पार्टनर की हैसियत से मिलता है, स्टेटस से मिलता है, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो कुछ इसके एग्जाम्पल थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, या मैं कहूं पार्टनर को रेम्यूनरेशन अलाउ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, या कहते कुछ प्रॉफिट संभाल के रख दो, फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, उसको बोलते हैं रिजर्व। ये भी एप्रोप्रिएशन का ही एग्जांपल है। या जो बच गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये सारे एग्जाम्पल है एप्रोप्रिएशन।
अब कुछ बातों में हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये तो सिंपल सिंपल आपको समझ आ गई, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां घबरा जाते हैं, सर एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस है, वो सारे एग्जांपल आओ लिख के चलते समझेंगे मेरी बात। मैंने आपको बताया मान लो एबीसी तीन पार्टनर है, इनकी फर्म का नाम है एबीसी एंड फर्म। सी ने क्या किया, अपनी बिल्डिंग, सी की बिल्डिंग थी, सी की ओल्ड बिल्डिंग थी, इसने फर्म को दे दी किराए पे। सी की अपनी ओन बिल्डिंग थी, इसने फर्म को दे दी किराए पे। अब फर्म क्या कर रही है, रेंट पे कर रही है सी को। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमने पढ़ा जो भी पैसा पार्टनर को मिलेगा एप्रोप्रिएशन है, लेकिन पार्टनर की कैपेसिटी में होना चाहिए, पार्टनर की हैसियत से होना चाहिए। अगर कोई पैसा पार्टनर को मिल रहा है लेकिन पार्टनर की हैसियत से नहीं है तो बेटे वो एप्रोप्रिएशन बनने का काबिल नहीं। सर मतलब समझाओ, अगर मैं कहता हूं रेंट अलाउड कर रही है फर्म टू पार्टनर, उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, एस एस कंसिडर्ड एस इज कंसिडर्ड एस, उसको हम कहेंगे एक्सपेंस, उसको हम कहेंगे एक्सपेंस, बट नॉट क्या नहीं कहेंगे, ये भी क्वेश्चन वन मार्क्स का आता है, क्या नहीं कहेंगे, बट नॉट एप्रोप्रिएशन, बट नॉट एप्रोप्रिएशन। सर एक्सपेंस है तो कहां आना चाहिए, आना कहां चाहिए, सो इट हैज टू बी, बोलो, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। बच्चे अब हमारे को क्लास 12th में पीएनएल अकाउंट बनाना ही नहीं है, हमें बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, तुम क्या लिख देंगे अकाउंट, कोई बात अकाउंट मत बनाओ, हमारे को पता है हमारा एक्सपेंस है। बच्चे एक बात बताओ, एक्सपेंस से हमारा प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ेगा या कम होगा, एक्सपेंस से प्रॉफिट हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, तुम क्या कहेंगे, और अगर डेबिट नहीं करते कोई बात नहीं, रिड्यूसेस कर दो, कहां से माइनस कर दो उसको, इसमें से माइनस कर दो, प्रॉफिट से, प्रॉफिट से माइनस कर दोगे बच्चे तो आपका अल्टीमेटली निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर रेंट। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा प्लीज, अगर किसी पार्टनर को रेंट दिया है फर्म ने तो बेटे वो क्या है, एक्सपेंस है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। सो उसका रीजन क्या है, क्योंकि रेंट बच्चे किस कैपेसिटी में मिल रहा है उसको, रेंट इज अलाउड इन द कैपेसिटी ऑफ, मकान मालिक को क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड, बट नॉट हमें क्वेश्चन का वन मार्क का आ गया, आपको पता होना चाहिए बेटे, वन मार्क का ना भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल फ्लेज क्वेश्चन में सारे पॉइंट आपको देखने को, दिक्कत हरी अप चलेगा, वो भी नहीं सब समझ आ गया हो। अगला पॉइंट हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस्ड बाय, लोन किसने दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म। अच्छा पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, कैपिटल नहीं बोला, लोन बोल रहा हूं, जब भी लोन की बात आती है तो फीलिंग आएगी आउटसाइडर वाली, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, वो फर्म उसको लोन पे इंटरेस्ट पे करता है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस पार्टनर टू फर्म इज कंसिडर्ड एज, बच्चे वो भी क्या बन जाएगा, इज कंसिडर्ड एज, बोलो स्प्रेड।
हाँ जी इज कंसिडर्ड एज क्या बन जाएगा वो एक्सपेंस और कहाँ जाएगा बोलो बोलो डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट और वी कैन कॉल इट एज पीएनएल तो बनाएंगे नहीं हम डिडक्टेड फ्रॉम इसमें से माइनस कर देंगे डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इसका रीजन क्या है रीजन क्या है जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया इज अलाउड इन द कैपेसिटी ऑफ मनी लेंडर ना कि इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर लिखिएगा प्लीज इन दोनों पॉइंट को याद रखना बच्चे अगर पार्टनर लोन दे रहा है या पार्टनर अपनी जमीन दे रहा है किराए पे फर्म को वो दोनों पॉइंट एप्रोप्रिएशन बनने के काबिल नहीं है वो दोनों बेटे एक्सपेंस चलेगा आगे चलेंगे हम अगला पॉइंट जैसे क्लास 11 को याद करना एक पॉइंट था अगर आप बड़े आपने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो पॉइंट क्या था कमीशन पेबल टू मैनेजर बच्चे मैनेजर को कमीशन पे कर रहे हैं उसको क्या बोलोगे बोलेगा इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस वेयर एज अगर वही कमीशन पे कर रहे हो पार्टनर को बच्चे वो क्या बन जाएगा एप्रोप्रिएशन इसी प्रकार जो आप क्लास 11th में पढ़ते थे सैलरी पीएनएल अकाउंट में उस सैलरी टू स्टाफ था जो आप पढ़ोगे सैलरी क्लास 12th में वो आपको मिलेगा सैलरी टू पार्टनर तो सैलरी टू पार्टनर बच्चे एप्रोप्रिएशन है और सैलरी टू स्टाफ वो हमारा था एक्सपेंस एक बात बताओ मुझे आप सभी लोगों को एक्सपेंस और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस क्लियर हो गया एक्सपेंस और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस कुछ समझ आ गया एप्रोप्रिएशन का मतलब अमाउंट अलाउड टू पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर अब चलेंगे अगर आपको डिफरेंस समझ आ गया तो बच्चे अब हम लोग बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन आगे स्टार्ट करते हैं बनाते हैं फॉर्मेट पीएनएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर एंडेड होगा लिख लेंगे और बच्चे फॉर्मेट बनाते हैं जैसे ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट बनता था इसका नेचर बच्चे याद रखना इसका नेचर मैंने क्या बताया था आपको नॉमिनल आएगा स्टार्ट करेंगे लिखते हैं अकाउंट भी बनाएंगे इसकी एंट्री भी आप सीखेंगे जनरल एंट्री आएगा बनाते हैं बच्चे मैंने बताया इस अकाउंट का पर्पस क्या है इस अकाउंट का बच्चे पर्पस है पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना बच्चे वही वाला प्रॉफिट जो क्लास 11th में पीएनएल अकाउंट में आता था जिसको आप क्लास 11th में सीधा सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे अब बच्चे बैलेंस शीट में नहीं जाएगा वो अब वो आएगा पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चे याद करो क्लास 11th को जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे आप लोग एक बार याद करना बच्चे उसको एक बार जब हम लोग पीएनएल अकाउंट बच्चे बनाते थे जब क्रेडिट
साइड बड़ी होती थी तो बच्चे बताओ नेट प्रॉफिट किस साइड पे आता था बैलेंसिंग फिगर, ऑन विच साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड। जब पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड इनकम साइड बड़ी थी, इसका मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस के मुकाबले, तो नेट प्रॉफिट आता था डेबिट साइड। उसी प्रकार से जब पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी होती थी, मतलब एक्सपेंस वाली साइड बड़ी है, तो डिफरेंस बच्चे आता था क्रेडिट पे, उसको हम क्या बोलते थे? नेट लॉस। पहला काम जो प्रॉफिट बेटे हम निकाल चुके थे क्लास 11th में प्रोप्राइटर का, अब वो मान लो पीएनएल अकाउंट पार्टनर का है, अब उस प्रॉफिट को या लॉस को बेटे ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग करना। आओ लेजर पोस्टिंग करे, आओ पहले प्रॉफिट की पोस्ट करेंगे। बच्चे बताओ प्रॉफिट पीएनएल में किस साइड पे आता था, डेबिट या क्रेडिट? हरिया डेबिट। डेबिट। तो बच्चे यहां से ये मान लो पीएनएल बैठा हुआ है, यहां लाके पोस्टिंग करवाओ बाय पी एंड एल अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो लिख रहा हूं ब्रैकेट में, वर्ड नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसके बारे में जानना। अगर हमारे को ये समझ आ गया, ये वाला सेंटेंस, ये वर्ड समझ आ गया, तो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट लगभग मान लो खत्म हो गया। बच्चे पी एंड एल अकाउंट, अगर 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 पी एंड एल की डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस आएगा, लॉस के बच्चे पोस्टिंग करो क्या लिखेंगे, तो पी एंड एल अकाउंट बेटे ब्रैकेट में आ गया नेट लॉस। यहां तक करो, अब आगे चलेंगे, यहां तक प्लीज करेंगे। ये है लेजर पोस्टिंग, प्रॉफिट की और लॉस, प्रॉफिट की और लॉस। लिख लिया तो मुझे बताना, लिख लिया तो मुझे बताना। डन सर। चलेगा, अब चलेंगे आगे। अब ध्यान से बात करने का, अब बच्चे बता रहा हूं, हमें प्रॉफिट को बांटना है। हमने पढ़ा था ऑल एप्रोप्रिएशन हैज टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे और डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे। बच्चे मान लो मेरे एग्जाम्पल में दो पार्टनर है ए और बी, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो बेटे पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू लिखिएगा प्लीज, प्रॉफिट को बांट रहे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना बेटे ऑल एप्रोप्रिएशन हैज टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना प्रॉफिट कमाया, डीड में लिखा था पार्टनर्स ने जिन्होंने पैसा लगाया हुआ इन्वेस्ट किया हुआ है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं उनको, मान लो दो पार्टनर है, हमने कहा जी ए कैपिटल अकाउंट जितना भी आएगा लिख लेंगे, ऐसे बीस कैपिटल अकाउंट। मेरे एग्जाम्पल में दो पार्टनर है मान लीजिएगा, इन दोनों को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना प्रॉफिट कमाया है उसी के अंदर से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, चलेंगे आगे। डीड में क्या लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है पार्टनर्स को हमने पे करनी है सैलरी, हमने पे करनी है सैलरी। ठीक है, तो लिखेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डीड में लिखा है पार्टनर्स को देंगे सैलरी। कह रहे दोनों को सैलरी देंगे, ठीक है, दोनों को सैलरी दे दो, क्या कहेंगे? ए कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो बच्चे से कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। बाद में सीखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, अभी सीखो हाउ टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितना प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से हमने आईओसी एप्रोप्रिएशन को बांट दिया, जो प्रॉफिट कमाया उसमें से हमने पार्टनर्स की क्या नाम है, पार्टनर्स की सैलरी को, पार्टनर्स को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, पार्टनर सैलरी। ठीक है जी, बच्चे डीड में लिखा हुआ था, डीड में क्या लिखा हुआ था कि बी पार्टनर को हम देंगे कमीशन, तो लिखेंगे तो खाली बी को देंगे, डीड में लिखा हुआ मान लो, तो बीस कैपिटल अकाउंट जो डीड में लिखा है बच्चे वो हम काम करते जाएंगे, तो कमीशन लिखा डी बी को कमीशन देंगे, तो बीस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन।
जितनी बातें बच्चे एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर लिख रहा हूं ऑल आर कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन। बच्चे डीड में लिखा हुआ है कुछ पैसा संभाल के रख लो, फ्यूचर में काम आएगा, फर्म के काम आएगा, पार्टनर से काम आएगा, बच्चे उसको बोलते हैं रिजर्व। बेटे रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन है, रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन है। तो बच्चे कुछ पैसा हमने कमाया, प्रॉफिट हुआ, कुछ आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ हमने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कोई पार्टनर कमीशन मांग के ले गया, डीड में लिखा हुआ था, कुछ आ गया रिजर्व। अब ध्यान से बात सुनना, ध्यान से मेरी बात समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। बच्चे मान लो ए और बी पार्टनर थे, उन दोनों ने बेटे फर्म से पैसा विड्रॉ किया। ध्यान से बात सुनना मेरी, बेटी चीज को रटना नहीं है, लगभग 70-80 क्वेश्चन है जो आने वाले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। ध्यान से बात सुनना बेटे, ए और बी मान लो पार्टनर है, उन्होंने बच्चे फर्म से पैसा विड्रॉ किया, पैसा विड्रॉ करके घर पे ले गए, डीड में लिखा हुआ था जो भी पैसा फर्म से विड्रॉ करेगा वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। ध्यान से बात करिएगा प्लीज बेटे, ए और बी दो पार्टनर थे, उन्होंने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, घर पे ले गए निकाल के, ड्राइंग जिसको बोलते हैं, और डीड में लिखा था, क्या लिखा था कि ये लोग फर्म को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। बच्चे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर फर्म को दे रहे हैं, बताओ ये फर्म की इनकम है या फर्म का एक्सपेंस है, बताओ क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर दे रहे हैं फर्म को, तो फर्म के लिए बच्चे क्या हुआ, फायदा कि नुकसान? इनकम। क्या फर्म क्या कहेगी बच्चे, जो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी तो ऑल इनकम चार, बिकॉज देखो यहाँ पे बेटे फर्म अलाउ कर रही है इनको, ये फर्म दे रही है, ये अप्रोप्रिएशन है। लेकिन जब पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो फर्म बेटे उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है, कहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, और ये बात डीड में लिखी गई है। अगर डीड में नहीं लिखा तो एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, एक्ट कहेगा नॉट चार्ज, लेकिन मैं मानता हूं डीड में लिखा हुआ है। तो डीड में क्या लिखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय। दोनों की ड्राइंग थी, मान लो दोनों की ड्राइंग थी, ए कैपिटल दोनों ने विड्रॉ किया था और बी कैपिटल, अच्छा पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा। बाद में सिखाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, फिलहाल अभी फोकस रखो अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है सर? इन दोनों ने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, समथिंग कुछ वैल्यू, ये फर्म की बन गई। अब समझते ध्यान से बताइए, अब क्या रह गया, देखो क्या क्या आया, फर्म ने पहले प्रॉफिट कमाया, उसके बाद बच्चे फर्म के पास कोई इंटरेस्ट, हम इस पे काम करते हैं, कुछ वैल्यू नेट वैल्यू कर लेते। मान लो बच्चे, मान लो फर्म ने प्रॉफिट कमाया बच्चे 1,00,000 रुपए का, ध्यान से बात सुनना, आप भी लिख लो वैल्यू लिख लो, बहुत बढ़िया रहेगा। बच्चे मान लो फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपए का, एक मैं नॉर्मली वैल्यू ले रहा हूँ, ऐसी वैल्यू लेके चल रहा हूँ। मान लो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता था, ए का था 6,000 रुपए, बी का था 4,000 रुपए, बच्चे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 10,000 रुपए। बच्चे इसका मतलब क्या है, फर्म के पास बांटने के लिए कितने रुपए आ गए, 1,10,000, ठीक है आगे चलो। अब बच्चे फर्म ने 110 ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, चाहे डीड में कुछ भी क्यों ना लिखा हो। बच्चे फर्म बांटेगी तभी चाहे प्रॉफिट कमाएंगे, मान डीड में लिखा सैलरी बांट दो, फर्म ने कमाया ही नहीं तो सैलरी कहां से बांटेंगे। तो बेटे याद रख लो, पार्टनर को वही मिलेगा जो डीड में लिखा है, बशर्ते पैसा होना चाहिए, बशर्ते प्रॉफिट होना चाहिए। डीड में लिख दिया आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? हमने 1,00,000 रुपए बाहर के लोगों से कमाए, 10,000 पार्टनर से कमाए, डीड के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं इंटरेस्ट बनता है, इसका बनता है 8,000 रुपीज, इसका बनता है 12,000, भाई टोटल इंटरेस्ट बन गया 20,000 रुपए। ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चे, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,10,000 रुपए, बच्चे कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अभी हमने, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20,000, कितना रह गया रिमेनिंग, कितना रह गया बांटने वाले, जो पार्टनर्स को बांटने हमने 110 में से 20 चलाया, कितना रह गया 90। आगे चलो, डीड में लिखा था इसको सैलरी देंगे 15,000 और इनको देंगे 5,000
टोटल दोनों की सैलरी डीड के अकॉर्डिंग आ गई 20,000। ठीक है जी, डीड में लिखा था बी को कमीशन देंगे 12,000 रुपीज, डीड में लिखा था बी को कमीशन देंगे 12,000 रुपीज, डीड में लिखा था जो प्रॉफिट आएगा उसका 20,000 रुपए बच्चे हम ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व में, हम 20,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व में, ये बात भी डीड में लिखी हुई थी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ और चेक करते। देखो हमने टोटल अर्न किया 1,00,000 बिजनेस से, 10,000 पार्टनर से, 1,10,000 अर्न किया, 28 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, 40 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 12 बच्चे आ गया कमीशन और 20 संभाल के रखना है। अब मुझे बताओ एंड में जो रह गया उसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। आप लोग मुझे बताओ अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना रह गया, चेक करो पीछे फटाफट, चेक करो 110 में से हमने क्या क्या कर दिया और क्या क्या रह गया। अरे अब कितना बच गया, 38 कितना बच गया, 38। चलोगा अब ध्यान से बात करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट कहां जाएगा, हमने डिस्कस किया था इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो कैसे करेंगे, इन 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 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चे मुझे रेशियो पता ही नहीं है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं तो क्या मानूंगा, मुझे बताओगे नहीं बता दो, इक्वली दैट इज 1:1। मैं उम्मीद करूं सबको बात समझ आ गई होगी, जितना कमाया सारी अप्रोप्रिएशन बांट दो, क्वेश्चन कहता है रिजर्व संभालना तो संभाल लो, जो बच गया उसको बेटे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, दैट डिविजिबल प्रॉफिट हैज टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा कितना प्रॉफिट आया था बताओ, कितना आया था, 38,000 आया था। ठीक है जी, बांटेंगे, आ जाओ और बांटेंगे, क्या लिखेंगे, जब बांटोगे तो क्या लिखोगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट 38,000 इंटू 1/2 कितना आ गया बच्चे, 19K, 38,000 इंटू 1/2 दिस इज ऑल्सो 9, इसको क्लोज कर दीजिएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा, टोटल कितना आ गया 1,10,000। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई विचार मेरे से बात कर लो, फिर मैं चलूंगा आगे। यहां तक कोई क्वेश्चन, किसी के मन में कोई डाउट आ रहे यहां तक किसी को, ये 38 कैसे आया, किसी को सबको समझ आ गया 38 कैसे आया, क्रेडिट माइनस। चले आगे, यस सर। अब ध्यान से बात सुनिए, अब जो मेन बात सीखनी है जिसके लिए आज का लेक्चर हम डिवोट कर रहे हैं वो मेन बात क्या है, बच्चे पढ़ो ये क्या लिखा है, मैंने इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, क्या लिखा है पढ़ना, इस बात को पढ़ो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएशन, और उसको सीखेंगे क्या होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको परेशान करेगा तो क्वेश्चन दो जगह परेशान करता है, या तो परेशान करेगा आपको एक्सपेंस पहचानने में और अप्रोप्रिएशन पहचानने में, वो हम काम करके आ चुके हैं, या दूसरा आपको क्वेश्चन यहाँ परेशान करेगा, बाकी सब कुछ आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उस लाइन का मतलब सीखिए, इस लाइन का मीनिंग क्या है। आज आपको होमवर्क मिलेगा पार्टनरशिप का, हाँ जी इस लाइन का मतलब सीखिए, पहले इंग्लिश में लिख लो तो इस बात को ढंग से समझाऊंगा क्या मतलब, हाँ जी सर, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन मींस, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले को फिर समझेंगे, प्रॉफिट अपीयर्स इन
प्रॉफिट अपीयर्स इन P&L appropriation account. जो प्रॉफिट appropriation account में आता है appears in appropriation account. जो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है वो कैसा प्रॉफिट होता है? Should be. याद रखना, should be. After charging all expenses. After को डाल दो ब्रैकेट. क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट अपीयरिंग इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आता है वो कैसा प्रॉफिट है? हमने कहा शुड बी आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंस. उस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस हो जाने चाहिए. बट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस. बट Before charging any appropriation, इस बात को सीखेंगे. इस बात का मतलब क्या है? लिखेगा क्या कह रहे सर ये? कह रहे नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू appropriation का मतलब क्या है? कहते जो प्रॉफिट appropriation अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पर P&L अकाउंट से, वो इतना पवित्र प्रॉफिट है, वो ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से सारे खर्चे माइनस हो जाने चाहिए. पढ़ो क्या लिखा है. शुड बी आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस. लिखा है शुड बी आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस. कहता है उस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस हो जाने चाहिए थे. अगर माइनस नहीं हुए तो माइनस करेंगे. सर क्यों माइनस करेंगे? बच्चे हम सबको पता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो P&L अकाउंट के बाद बनता है. अगर कोई खर्चा रह गया, छूट गया, जो P&L अकाउंट में नहीं आया, और अब हम लोग बना रहे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंट अलाउड टू पार्टनर, अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, एडजस्ट करना बाकी है, तो उस वाले एक्सपेंस को बच्चे माइनस कर देंगे. याद रखना एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड पर, जैसे एग्जांपल देखो, ऊपर आके देखो, सी दिस जो बच्चे ये वाला मेरा प्रॉफिट आया था, ये जो प्रॉफिट था 1 लाख वाला जो प्रॉफिट था, ये कैसा प्रॉफिट है? इस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं. अगर कोई खर्चा माइनस होना रह गया है तो बेटे पहले या माइनस करोगे तो जाके उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखोगे. अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको ज्यादा बात समझ आएगी. दोबारा वापसी नीचे आओ. तो कैसा प्रॉफिट है जिसमें सारे खर्चे माइनस होने चाहिए? अगर कोई खर्चा माइनस होने से रह गया है तो हम खुद माइनस कर देंगे, और माइनस करके बेटे प्रॉफिट को यहां लिखेंगे. ये तो बात थी आफ्टर की. अब आ रहा है बच्चे बिफोर. अब मैं बात करूंगा बिफोर की. मैंने कहा बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन, हमने कहा ये ऐसा प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस होने चाहिए. सर क्यों होने चाहिए माइनस? क्योंकि P&L अकाउंट बन चुका है, आ गया था तो हमने आके माइनस कर दिया. आगे कहता हूं बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन. लेकिन इस प्रॉफिट में से याद रखना बेटे कोई भी एप्रोप्रिएशन अभी माइनस होनी नहीं चाहिए. सर मतलब क्या हुआ? बच्चे जो प्रॉफिट आप P&L appropriation अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे, जो 1 लाख वाला प्रॉफिट है, ये बिफोर appropriation. अगर इसमें से आपके एग्जामिनर ने, क्वेश्चन ने किसी appropriation को पहले ही माइनस कर, तो बच्चे आप पहले क्या करोगे, उस appropriation को इस प्रॉफिट में एड बैक करोगे. सर एड बैक क्यों करेंगे? एड बैक का लॉजिक क्या है? बच्चे एड बैक इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हमें एप्रोप्रिएशन अलाउड करना है. अभी हमने एप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं किया हुआ, अभी हमें करना है. तो दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं, अगर कोई एक्सपेंस माइनस होने से रह गया है तो बेटे उसको माइनस कर दो, और अगर कोई एप्रोप्रिएशन बेटे उन्होंने पहले ही माइनस कर दिया है, आफ्टर का मतलब पहले ही माइनस कर दिया है, मुझे चाहिए बिफोर.
अप्रोप्रिएशन, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर, तो आप लोग क्या करोगे उस वाली अप्रोप्रिएशन को बेटे पहले करोगे एड बैक, फिर आगे जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बात को याद रखना, एक बात को याद रखना, ये बेटे ऐसा प्रॉफिट है, ये ऐसा प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस होने चाहिए, सारे खर्चे माइनस होने चाहिए। अगर कोई खर्चा मतलब एक्सपेंस माइनस होने से रह गया है तो पहले उस एक्सपेंस को हम लोग डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर आएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई एप्रोप्रिएशन बेटे पहले से माइनस हो चुकी है, जो मुझे अभी अलाउ करनी है उन्होंने पहले से ही माइनस कर दिया, तो उस एप्रोप्रिएशन को मैं बेटे ऐड बैक कर दूंगा, और ऐड बैक करने के बाद मैं दोबारा उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अलाउ कर दूंगा। यहां इसी सेंटेंस जो बेटे आप लोगों को समझाया, किसी को सेंटेंस में कोई डाउट, मुझे पूछे तो कोई डाउट, प्लीज फिर मैं आगे चलू, प्लीज मुझे बताएंगे। अरे अब सबको सेंटेंस क्लियर हो गया ये वाला, वेट कर रहा हूँ आप लोग। Yes, sir. बाकी क्वेश्चन करेंगे और ज़रा बात समझ आएगी। एक छोटी सी बात एक और लिखेंगे, छोटी सी एक बात और लिखेंगे, छोटी सी एक बात और लिखेंगे। पॉइंट वन, अगर प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंस, इस बात का करेक्ट लिख लो क्या करना आपने। बच्चा प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंस, सेकंड पॉइंट, अगर प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, थर्ड पॉइंट, अगर प्रॉफिट है After charging appropriation, fourth point, अगर profit है before charging appropriation, इन चार बातों को एक बार समझ लेते हैं हम लोग। अगर चार बातें समझ आ गई आपके तो पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। इन चार बातों पर डिस्कस करेंगे, लिखो, अगर प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंस, बच्चे पढ़ के आना एक बार, हमें कैसा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग, हमें कैसा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। तो हम क्या करेंगे उस एक्सपेंस को, क्या कर देंगे, सच एक्सपेंस हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, पहले एक्सपेंस को माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस, मुझे चाहिए आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस। बहुत बढ़िया, ये था बिफोर, मुझे चाहिए था आफ्टर, हमने कर दिया एडजस्टमेंट परफॉर्म। चलो जी अगला देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, बच्चे कह रहा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस, चेक करो बेटे हमें प्रॉफिट कैसे चाहिए था, आफ्टर चार्जिंग बिफोर एक्सपेंस, चेक करके आओ, एक्सपेंस आफ्टर चार्जिंग, बेटे यहाँ भी क्या आफ्टर चार्जिंग, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, कट कर दो कट। क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, ऐसी बातें लिखेगा आपके सामने, हमने परेशान नहीं होना, हम सारी बातें सीख के जाने से आओ सर, चलो आगे चलो। क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन माइनस हो चुकी है, बेटे पढ़ो हमें क्या चाहिए, पढ़ो हमें एप्रोप्रिएशन में क्या चाहिए था, बिफोर चार्जिंग, इन्होंने बेटे कर दिया आफ्टर, तो क्या कर देंगे, एप्रोप्रिएशन देंगे, एड बैक कर देंगे, सच एप्रोप्रिएशन, एड बैक कर देंगे, सच एप्रोप्रिएशन, एड बैक कर देंगे, सच एप्रोप्रिएशन। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या, लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या, कहता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन, हमें भी क्या चाहिए बिफोर, यहां भी क्या है बिफोर, तो क्या करेंगे,
कुछ एडजस्टमेंट के रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? नो सर. चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. एक बार देख लो, क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए. क्वेश्चन करेंगे हम, एक बढ़िया से क्वेश्चन तैयार करेंगे. एक छोटी सी बात एक और छोटी सी एक बात और लिखवा रहा हूँ मैं छोटी सी बात एक और लिखवा रहा हूँ अभी खाली लिखवा रहा हूँ. आपको ज्यादा समझ आएगी नहीं क्या अभी बात को? जब अलग से लेक्चर आएगा वो बात आपको ज्यादा समझ आएगी. फिलहाल अभी लिख लो, खाली थोड़ा सा नोट लिख लो बच्चे. वो क्यों लिखवा रहा हूँ बाद अभी समझ नहीं आएगा आपको. देखो बच्चे, हर जगह वर्ड लिखा मैंने कैपिटल अकाउंट, ध्यान से बात सुनेगा. देखो हर जगह वर्ड लिखा है कैपिटल अकाउंट. एक नोट लिखवा रहा हूँ, नोट समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है. दो लेक्चर के बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा. नोट लिखिएगा उस कैपिटल अकाउंट के लिए. नोट क्या रहा सर? इफ कैपिटल इज फिक्स्ड. सर फिक्स्ड क्या होता है बच्चे? अभी कुछ नहीं होता, सिंपल लिख लो, रटवा रहा हूं मान लो. दो दिन के बाद समझाऊंगा क्या होता है जब टॉपिक आएगा. फिलहाल अभी लिख लो, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो मैं क्या करूंगा? देन कैपिटल अकाउंट इज रिप्लेस्ड बाय, इज रिप्लेस्ड बाय करंट अकाउंट. इस बात को लिखो, छोटी सी बात समझाऊंगा बाकी बाद में करूंगा क्या होता है. बच्चे अगर क्वेश्चन में लिखा है मेरा कैपिटल का फिक्स्ड मेथड है, कैपिटल इज फिक्स्ड मतलब एक फिक्स्ड मेथड होता है, क्या होता है बताऊंगा बाद में. अगर लिखा है क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है तो बेटे जहां जहां आपने वर्ड लिखा है कैपिटल अकाउंट, फिर कहां कहां लिखा लिखाओ. पार्टनर सैलरी तो बेटे लिखोगे ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट. लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट. अगर क्वेश्चन में आपको बेटे वर्ड मिल जाए देखने को, क्या मिल जाए? फिक्स्ड. तो जहां जहां बेटे आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल लिखा हुआ है, जहां जहां आपने कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करी है बेटे, वो सारी पोस्टिंग होगी करंट अकाउंट में. सर क्यों होगी, क्या रीजन है इसका? बेटे अभी याद कर लो, दो दिन के बाद टॉपिक आएगा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, लेक्चर लगाऊंगा पूरे का पूरा, फिर समझाऊंगा. फिलहाल अभी आज के लिए अगर बेटे वर्ड मिले हमारे को फिक्स, तो जहां लिखा होगा कैपिटल अकाउंट आंखें बंद करके अभी के लिए लिख देना करंट अकाउंट. बेटे यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को मेरे से? कोई प्लीज कैन आस्क, फिर मैं आगे चलूंगा. अब मुझे क्वेश्चन करवाना है. हरि अब नो सर, आप समझेंगे मेरी बात को? तो बच्चे मेरी कोशिश रहती है कि एक एक बात आप तक पहुंच जाए, फिर भी कोई डाउट रह जाए, एक आधी बात रह जाए तो बच्चे मेरे से एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में. आज हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे. आओ सर सीखते आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन करेंगे, जरा बड़ा ही उठाएंगे. क्वेश्चन नंबर करेंगे 30. आओ सर समझेंगे. बच्चे ए और बी पार्टनर है, बेटे ए की कैपिटल है, सबको क्वेश्चन विजिबल है, सबको स्क्रीन विजिबल है क्वेश्चन की? यस. अब नोट सर अभी तो एक मिनट. हाँ जी सर आ गया. बड़े क्वेश्चन क्या है? थर्टन क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ए और बी पार्टनर बच्चे, ए की कैपिटल 1,00,000 रुपए, बी के 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे 6%. बेटे बात कहां लिखी गई है? ये बात कहां लिखी गई है? डीड में. डीड में बेटे मेरा क्वेश्चन ही हमारी क्या है? डीड. हमारा क्वेश्चन ही हमारी डीड. अगर कुल में इंटरेस्ट ऑन क्या बारे में कुछ नहीं लिखेंगे तो बेटे हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे. तो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6% से दे देंगे, कोई बात नहीं. बी को सैलरी देंगे, सर बी को सैलरी कितनी देंगे? पढ़ो जी, बी को सैलरी कितनी? जस्ट वेट. कहता है बी को सैलरी देंगे बच्चे 30,000 per month. बी की सैलरी 3,000 per month.
और बच्चे हमने प्रॉफिट कमाया 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और स्टार्ट करेंगे बनाना, आ जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आएगा बच्चे, बिगिन करते हैं हम लोग, मिलके बिगिन करते हैं। आएगा बना, पार्टनर्स के नाम है ए और बी, ए ने लगाया 1,00,000 रुपए, बी ने लगाया 60,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेल्प करना आप लोगों ने मेरी, फॉर द ईयर एंडेड, सर ईयर कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत लिख के छोड़ दो, फॉर लिख के छोड़ दो, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है जी, लिख दिया हमने। फॉर्मेट बनाएंगे जी, फॉर्मेट हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर अमाउंट आएगा जी। सबसे पहले प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट, बच्चे क्या लिखो, बाय बाय प्रॉफिट एंड, बच्चे ब्रैकेट में क्या लिखना सिखाया था मैंने आपको, बोलो, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। चेक करो कितना प्रॉफिट है, देख के बताओ कितना प्रॉफिट है बच्चे, नेट प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपीज। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब बच्चे प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन, कुछ एडजस्टमेंट होगी तो बताएगा आपको, ठीक है जी। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने लगाए 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज, और बेटे बी ने इन्वेस्ट किए 60,000 रुपए, 1,00,000 और 60,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% प्रति माह पर एनम, ठीक है बात करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट, बच्चे का क्वेश्चन में वर्ड होता है फिक्स्ड, तो एक कैपिटल की जगह क्या वर्ड लिखता है यहां पर, मुझे बताओगे, करंट, करंट क्यों लिखता हूं बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी लिखता करंट। पढ़ो जी कैपिटल है 1,00,000 का 6%, निकालो जी कितना, ए का कितना आ गया 6,000 रुपीज, और बी का आ गया बच्चे 3,600, हो गया डिस्ट्रीब्यूट, हो गया जी। चलो और देखो, चेक को डीड में और क्या लिखा देखते आ जाओ, डीड पढ़ो क्या कह रही है, कह रहे बी को सैलरी देंगे जी 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, क्या हुआ बताओ, बीस कैपिटल अकाउंट, खाली एक ही पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को सैलरी, एप्रोप्रिएशन होता है हमारा, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आएगा बच्चे 3,000 पर मंथ, बच्चे पर एनम सैलरी कितनी हो गई 36,000, चले आगे। चेक करो डीड में कुछ और लिखा हुआ है क्या, डीड में क्या आपको पीएसआर पता है कि नहीं पता, यस और नो, नो सर नहीं पता, तो बच्चे प्रॉफिट कैसे बांटेंगे हम लोग, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले हम चेक करेंगे सर, क्या चेक करेंगे, कितना डिविजन, तो बच्चे हमने 80,000 रुपए कमाए, 80,000 अर्न किया पार्टनर्स के लिए, उस 80 में से आईओसी और हमने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज द पार्टनरशिप डीड, और हमारी डीड क्या है, हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बच गया क्या बोलोगे उसको, डिविजिबल प्रॉफिट या बोलते डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट, हेल्प करो जी, ट्रांसफर टू
partners capital account transfer to partners capital account हाँ जी कौन सी रेशियो में क्या बोलेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर हमें नहीं पता हम बोलेंगे 1:1 करो बच्चे कितना प्रॉफिट रह गया मुझे बताओ जी कितना प्रॉफिट रह गया कितना रह गया इंडिविजुअल प्रॉफिट चेक इट आउट कितना प्रॉफिट रह गया 80 में से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने वेट कर रहा हूं कितना रह गया रिमेनिंग प्रॉफिट 34,400 इस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपीज 34,400 इंटू 1/2 दैट इज 17,200 एंड सिमिलरली इन केस ऑफ बी ऑल्सो दे बोथ आर इक्वल पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ डीड तो उसको मिलेगा 17,000 यहां तक कोई डाउट किसी को प्लीज मुझे बताएं अरे एवरीवन कोई डाउट किसी को नो डाउट अब ध्यान से मेरी बात समझना आप लोग आने वाले दिन में हमने क्या कर दिया देखो मैं आपको दिखा दूं एप्रोप्रिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है ध्यान से देखो बच्चे देखो ये पूरी सीरीज जो जा रही है बच्चे देखो क्वेश्चन 13 से स्टार्ट होकर एप्रोप्रिएशन देख लो ये हर क्वेश्चन में आप कोई भी क्वेश्चन पिक कर लो इस चैप्टर में आपको 90% हर जगह मैं आपको चीज दिखा दूं ध्यान से बात सुनना देखो आगे क्वेश्चन आएंगे गारंटी के मैं आपको दिखा दूं जस्ट वेट हाय क्वेश्चन नंबर 88 है एक टॉपिक आता है गारंटी बच्चे पढ़ो यहाँ पढ़ो यहाँ भी क्या मांग रहा आपसे पढ़ो क्या मांग रहा पढ़ो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हर जगह मांगेगा हर क्वेश्चन में मांगेगा आप लोगों से तो जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो स्ट्रॉन्ग करना मैं क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं फिलहाल आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर एवरीवन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल बाय बाय बच्चे